हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट्स। आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो है 3 जुलाई जो DU LLB की एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस है। मैं जो ये क्वेश्चन है परीक्षार्थियों से जो है कलेक्ट करके आप लोगों के साथ जो है एनालिसिस कर रहा हूँ। तो प्लीज़, अगर जो भी परीक्षार्थी हैं, अगर उनको कोई भी क्वेश्चन पता हो और आप उसका जवाब जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपके जो है क्वेश्चन का रिप्लाई आंसर के रूप में ज़रूर दूंगा। तो प्लीज़ आप सभी जो है क्वेश्चन को आप मेरे पास जो है कमेंट के जरिए भेजिए और इसका मैं सॉल्व करके आप लोगों के सामने मैं जो है दूसरा वीडियो भी, अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है तो मैं बनाकर आप लोगों को सामने पेश कर दूंगा और उसमें जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आइए एनालिसिस में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास कलेक्ट हुआ है, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से जो क्वेश्चन है जो अगर जो है मैंने सही उत्तर करने की कोशिश की, क्योंकि जो लोग हैं सही से क्वेश्चन नहीं बता पा रहे थे तो फिर हो सकता है कि कुछ मिसकंडक्ट इसमें हो जाए, मिस यूज हुआ हो, तो प्लीज़ आप इसके लिए जो है मैं सॉरी बोलता हूँ। और जो है क्योंकि क्वेश्चन का सही फॉर्मेट पता नहीं होने के बाद आंसर जो होता है वो सटीक नहीं हो पाता है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि कुछ जो आंसर होगा वो डिफरेंट हो सकता है। बाकी जो है इसमें आइए एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, इस बार का जो क्वेश्चन था, जो फॉर्मेट था, वो पिछले साल की अपेक्षा बहुत ही डिफरेंट था और इस बार जो है कट ऑफ बहुत कम जाने वाले हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसका जो पैटर्न था आप देख सकते हैं कि जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उन लोगों को पता है कि जो करेंट अफेयर आया था बहुत ही कम आया था, 2 से 3, खूब से 3-4 क्वेश्चन थे। कंस्टिट्यूशंस की जो क्वेश्चन थी उस तो वो तो ज़्यादा थी, लेकिन वो ऐसा था जैसे ज़्यादातर केस था, कमिटी थी, और जो करेंट अफेयर में था वो भी जो इम्पोर्टेंट केस था उसके बारे में पूछा गया था, तो ऐसा कुछ फॉर्मेट में थे। मैथ जो थे बहुत ही कम थे और रीजनिंग जो लॉजिकल रीजनिंग थे वो भी ज़्यादा नहीं थे, तो इस बार का जो फॉर्मेट था बहुत ही डिफरेंट था प्रीवियस ईयर से। फिर भी जो था सही था और इस बार का जो कटअप है वो तो कुछ दिन में आप लोगों को पता चल ही जाएगा, लेकिन इस बार का कटअप जो है पहले साल की अपेक्षा बहुत कम जाने वाला है, तो आप लोग जो है टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस बार जो कटअप है वो हो सकता है कि जैसे आपको 2-4 या हो सकता है इस सप्ताह के बाद आपको जो है पूरी तरह से जो पता हो जाएगा और मैं आप लोगों के सामने उस कटअप के बारे में एक डिस्कशन करूँगा। जो आप लोग जो है अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी जो अपडेट है सबसे पहले आप लोगों के पास जो है पहुंचे। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जो कंस्टिट्यूशन का किसने पास किया था, तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास किया था। फिर पूछा गया था गोल्डन ट्रायंगल किसको कहते हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशंस है गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस किसको बोला जाता है, किन किन आर्टिकलों को, तो फंडामेंटल राइट आपको पता है, तो उसमें 14 आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को मिलाकर इसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है कैविएट वेंडिटर का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया था, जिसमें उत्तर था सेलर वीवेयर होता है इसका मतलब। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, सही से जब मैंने लोगों से पूछा तो वो सही उसका फॉर्मेट नहीं बता पा रहे थे, तो जो शिरीन आबादी थी वो किससे रिलेटेड थी, तो देखिए ये वकील भी थी, एक जज भी थी और इन्हें एक नोबेल, मतलब इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आप क्वेश्चन आपको अगर पूरी फॉर्मेट पता हो, शायद ये भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जल्लीकट्टू से क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक केस के बारे में पूछा गया था कि जल्लीकट्टू आप सभी जानते हैं तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये एक तरफ से जो पशु हिंसा कह सकते हैं कि इसके ये होता है, इसमें जो सांड होते हैं इनको लड़ाया जाता है, तो ये जल्लीकट्टू से जो है रिलेटेड है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेज वी नागाराजा जो थे इनके केस थी, तो शायद ये उसमें उत्तर था, ये आपका सही आंसर होगा अगर उसमें था, तो क्योंकि इन्हीं का केस था जो जल्लीकट्टू से रिलेटेड था। एक कमेटी है जो मुझे पता चला कि लोगों ने बताया मलिमत समिति किससे रिलेटेड थी, तो देखिए रिफॉर्म ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से
यानी आपको न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित मलिमत समिति को गठित किया गया था। तो इसका सही आंसर आपका यही होगा, रिफॉर्म ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किसके मामले में जुड़ा था? तो देखिए उत्तर तो उसमें ऑप्शन पता नहीं, देखिए अगर केशवानंद भारती में भी देखिए अगर ऑप्शन था शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, ये इनसे शुरुआत हुआ था और लास्ट जजमेंट जो था केशवानंद भारती में आपको 1973 में जो है बेसिक स्ट्रक्चर को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सही ढंग से पता ना होने की वजह से मैं आप लोग को दोनों बता रहा हूँ, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसको सौंप देता है? तो उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जब भी हटेगा उपराष्ट्रपति को अपना जो है पद इस्तीफा है उन्हें सौंप कर हट सकता है। इसके बाद पूछा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा गया था, तो देखिए पूरा उसमें क्या क्या था वो पता नहीं चल पाया, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है मैं इस बारे में आपको बता दूंगा कि जो जितने हैं आप उसमें देकर आप जो है ऑप्शन आपका अनुमान लग जाएगा। देखिए एक उसमें था कि द प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, इसके बावजूद और शायद तीन चार ऑप्शन थे, तो जो आप लोग जिसने दिया था उन लोगों को पता हो जाएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो हर बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पिछला बार भी पूछा गया था और उससे पिछला बार भी पूछा गया था। तो देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में आप लोगों को अनुमान हो जाएगा कि कौन से इसमें ऑप्शन आप लोगों ने लगाया है, तो आप लोगों को उसका आइडिया मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं, देख सकते हैं पहला टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिस्पेक्ट द आइडियाज एंड द इंस्टीट्यूशंस, दूसरा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है और टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, और तीसरा जो है द रियलाइज एंड फॉलो द इसेंशियल आइडियाज ऑफ द सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी एंड नॉन वायलेंस, और जो चौथा है टू प्रिजर्व द कल्चर एंड हेरिटेज, और नेक्स्ट जो है टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और इसके बाद जो है टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट जो है टू डिफेंड बाय द सॉरी टू डिफेंड द कंट्री एवरी सॉरी इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, और इसके बाद जो है टू प्रोटेक्ट नेचर रिसोर्सेज, और नेक्स्ट जो है टू अवॉइड डोरी गैम्बलिंग एंड अदर सोशल इविल्स, और नेक्स्ट जो है लास्ट टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन द रिस्पेक्टिव स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो आप लोग जो है इसमें देखकर आप लोगों को अनुमान लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आया था। अगर आप लोगों को फिर भी याद आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिए। ये था फंडामेंटल ड्यूटीज, इस बारे में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दिवस के बारे में पूछा गया था कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे कब मनाया जाता है? देखिए तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे 26 मई को शायद उसमें ऑप्शन था, तो 26 मई को मनाया जाता है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ स्पेलिंग थे जिसको करेक्ट करना था, दो तीन क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें से मुझे एक पता चला है। पूछा गया था कोनाइजर जो है उसको करेक्ट करना था, कोनाइजर जो है तो उसका इसमें है COOONOISSER, ठीक है COOONOISSER जो है ये करेक्ट है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आर्टिकल 360 जो पूछा गया था यानी 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड था, इसमें पूछा गया था कि कितने बार जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंडिया में लगाया गया, तो आप सभी जानते हैं कि एक बार भी अभी तक नहीं लगा हुआ है, तो उसमें ऑप्शन था दो बार तीन बार चार बार या कभी नहीं, तो कभी नहीं ऑप्शन सही था। शेड्यूल से दो क्वेश्चन थे जिसमें शेड्यूल 10 था और शेड्यूल 7 था, तो शेड्यूल 10 में पूछा गया था एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड था, जो कि आपका आंसर वही होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके बाद प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलाता है ये पूछा गया था, तो आप सभी जानते हैं, बताइए प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है इसके, या उनसे या ये हो सकता है कि इसके बाद ये हो सकता है कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेटेंट जो है कितने सालों के, पेटेंट के बारे में पूछा गया था, इसके जो कितने साल के बारे में पूछा गया था, पेटेंट को कितने सालों के लिए जो है रहती है, तो उत्तर देखिए उसमें 20 साल था, तो आपको 20 साल क्योंकि ये US के अनुसार है तो 20 साल राइट आंसर है। आर्टिकल 369A के बारे में पूछा गया था, आपका जो
इसमें देखिए क्वेश्चन सही ढंग से मुझे नहीं पता चला, तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आर्टिकल 15(4) के बारे में पूछा गया था। देखिए ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये रिजर्वेशन जो EWS के लिए था 10%, उससे रिलेटेड पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट था। फिर मैरिज में रिटरेंस जो होता है क्या उसके बारे में पूछा गया था, तो देखिए इसका उत्तर जो होगा वॉइड होगा। इसके बाद शेड्यूल 7 पूछा गया था, सेपरेशन ऑफ द पावर, इसके जो आंसर होगा शेड्यूल 7 के बारे में पूछा गया था, जो 3 लिस्ट आते हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और जो है राज्य सूची, जो स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और आपका जो आता है सेंटर का जो लिस्ट आता है, तो ये तीनों लिस्ट के बारे में जो पूछा गया था, सॉरी मतलब शेड्यूल 7 के बारे में पूछा, जिसे क्या कहा जाता है, तो सेपरेशन ऑफ द पावर कहा जाता है। इसके बाद राइट टू फ्रीडम जो है एवरी मतलब सबके लिए जो है फ्री एजुकेशन कब लागू किया गया था, तो ये 2019 में जो है लागू किया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 उसमें ऑप्शन था, तो आपको ये जो है टिक लगाना था। देखिए कुछ पजल के क्वेश्चन भी थे, पजल में क्वेश्चन देखिए मुझे सही ढंग से तो लोगों ने नहीं बता पाया। इसमें था कि कुछ फॉर्मेट था, जैसे मान के चलिए ए डी और ए, तो +4 4 करके सीरीज को बैठाना था, और दूसरा जो पजल दिया गया था उसमें प्लस मतलब पहला के बाद बाद में जैसे 3 प्लस फिर 2 प्लस फिर 2 ऐसे करके सीरीज को आपको जो था एडजस्ट करने थे, तो इस प्रकार का क्वेश्चन था। और बाकी जो मैथ में था 2 4 क्वेश्चन था, एग्रीमेंट से रिलेटेड भी जो था क्वेश्चन आपको था इसमें पूछा गया था। जैसे एक क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति है जो 20 से कहता है कि बारिश होगी यानी वर्षा होगी तो आपको 1,000 रुपया दूंगा, अगर नहीं होगी तो आप मुझे देना, तो इस प्रकार के एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, तो एग्रीमेंट से 3 4 क्वेश्चन थे। और इसके बाद में देखिए जो मेरे पास क्वेश्चन का कलेक्शन है इतना ही है, अगर जैसे ही मेरे पास कोई और क्वेश्चन आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन करूंगा, तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पता है तो आप मुझे कमेंट करिए, और जो है मैं आपका सॉल्व करने की आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, उसका जो है मैं सॉल्व जरूर आप लोगों को रिप्लाई के रूप में दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का अपडेट जो है मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को दे सकूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।